बड़ी खबर, झारखंड सरकार की वेबसाइट से कर्मचारियों की आधार जानकारी लीक। वेब सिस्टम की सुरक्षा में झारखंड सरकार की गलती के कारण भारत के करीब 1,66,000 सरकारी कर्मचारियों की आधार जानकारी लीक हो गई। टेक क्रंच ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखने वाला एक वेब सिस्टम 2014 के बाद से बिना पासवर्ड के था और इसके कारण झारखंड सरकार के कर्मचारियों का आधार नंबर, नाम, नौकरी की जानकारी और फोन नंबर लीक हो गए। झारखंड सरकार की वेबसाइट के सब डोमेन में एक गूगल इंडेक्स वेबसाइट मौजूद थी, जिससे कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड और उनकी तस्वीरें मौजूद थी। फिलहाल इंडेक्स वेबसाइट को ऑफलाइन कर दिया गया है। अमेरिका स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी फायर आई के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और उपाध्यक्ष स्टीव लेटजियन ने INS से कहा, डिजिटल परिवर्तन भारत को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ देने का वादा करता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब साइबर सुरक्षा बेहतर रहे, क्योंकि संगठनों द्वारा अधिक व्यक्तिगत डेटा बनाया और संग्रहित किया जा रहा है। सुरक्षा उपायों को भी सराहनीय रूप से लगातार मजबूत किया जाना चाहिए। पिछले साल झारखंड में लगभग आधा दर्जन लोगों की भुखमरी से जान चली गई, क्योंकि आधार कार्ड न होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उन्हें राशन नहीं दिया गया। रेडजियन ने कहा, भारतीय अधिकारियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी सुरक्षा और जोखिम को समझे, ताकि जब घटनाएं हो तो वे जल्दी से समस्या की पहचान कर सके और उससे निपटने के लिए उचित कदम उठा सके। अभी तक इस मामले पर राज्य सरकार का या UIDAI की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।